हमारा जो आज का लेक्चर है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जनरल बेयरिंग के बारे में और जो भी डिफरेंट बेयरिंग्स से यूज होते हैं, की टाइप्स थी, उनके डिजाइन के बारे में हम लोगों ने कवर किया है। जैसे हम लोगों ने शुरू में बेयरिंग में दो टाइप्स पढ़ी थी, एक जनरल बेयरिंग की टाइप थी और एक हमारे पास बॉल बेयरिंग की टाइप्स थी। ठीक है, तो आज जनरल बेयरिंग का जो हमारे पास लेक्चर है वो हमने कवर कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। इस रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में बेसिकली क्या, कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेयरिंग सरफेस इज रोलिंग इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन एज इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो इसमें जो है ना बेसिकली क्या है कि रोलर्स या बॉल्स जो है ना वो लगी होती है, इसमें वो बॉल रहती है। इंस्टेड जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग था, अगर हमारे पास उसकी इस तरह की डायग्राम थी, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसमें जो है लुब्रिकेंट को यूज करके हम लोग जो है ना इसकी जो मूवमेंट है उसके अंदर फ्रिक्शन को बचाने के लिए उसमें हम लोग फिर लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे आपको बॉल्स नजर आ रही है, जो बॉल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही है या ये रोलर्स हैं, ये रोलर्स हैं, ये बेसिकली यूज होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द ऑर्डिनरी स्लाइडिंग बेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद पार्शियली मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट एंड हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारे पास ऑर्डिनरी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग होते हैं होता है, तो उसमें जो है ना वो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट में, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है। फिर उसकी जो है ना जिसकी वजह से हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, मतलब फ्रिक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है ना पावर जो है ना हमारी लूज ज्यादा होती है। तो इट इज एन आउटस्टैंडिंग एडवांटेज ऑफ अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग ओवर अ स्लाइडिंग बेयरिंग दैट इट हैज लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन। तो इसमें जो लो जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन है वो हमारे पास जो इस एज कम्पेयर टू जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में वो हमारे पास जो स्टार्टिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है वो जो लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है। तो ड्यू टू दिस लो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग दीज आर कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। इसको जो नाम एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहते हैं, ये रोलिंग हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे आपके जर्नल लगा हुआ है, ये एक इनर जो है ना वो हमारे पास बेयरिंग की इनर रिंग है और ये हमारे पास आउटर रिंग है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना ऑपरेट होता है। इसके हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस के जो है ना अगर हम देखें तो इट हैज जो है ना लो स्टार्टिंग एंड रनिंग फ्रिक्शन एक्सेप्ट एट वेरी हाई स्पीड। इसकी जो है ना जो फ्रिक्शन है, रनिंग फ्रिक्शन वो कम होती है काफी, बट इन हाई स्पीड जो है ना ये थोड़ा सी इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है और उसमें जो है ना उसकी फ्रिक्शन भी कम हो जाती है। और एबिलिटी टू विदस्टैंड हैज एन एबिलिटी टू विदस्टैंड एबिलिटी टू विदस्टैंड मोमेंटरी शॉक लोड्स। जो मोमेंटरी शॉक लोड इसमें मोमेंट्स आ जाते हैं, उस तरह के शॉक लोड्स को ये अब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन शॉक लोडिंग्स होती हैं दूसरी जो हमारे पास, जिसमें वो नहीं जो है ना इसको वो करता। तो मोमेंटरी जो इसके अंदर शॉक लोड होते हैं उसको ये बेसिकली विदस्टैंड कर जाता है। और इसमें जो है ना एक्यूरेसी भी जो है ना, जो शाफ्ट की अलाइनमेंट होती है उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, मींस कि आपका जो शाफ्ट है वो जो है ना जो आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग था उसके अंदर क्या था कि जो है ना थोड़ा सा उसके अंदर बेंडिंग बेंड हो जाता है, क्योंकि लुब्रिकेंट में वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। जो एक स्टील बॉल के अंदर जो आपका जो स्टील बॉल है वो उसके अंदर जो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर जो अलाइनमेंट वो देते हैं वो ज़्यादा अलाइनमेंट जो है ना परफेक्ट होती है, एक्यूरेसी से ज़्यादा होती है। और इसकी जो है ना लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, जब मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो है और बिकॉज इसके जो है ना नो लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय सर्विंग सर्विस के दौरान इनको जो है लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाय जो दूसरे हमारे पास बेयरिंग है उसमें हमें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी जो लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस लो है लेकिन इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। आगे चल के हम देखेंगे डिसएडवांटेज में बात आएगी। और इसका जो स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन होते हैं, ठीक है, इसके जो है डायमेंशन भी स्मॉल जो ना होते हैं एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। और इसकी जो रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की रिलायबिलिटी सर्विस जो है ना और स्लाइडिंग बेयरिंग से
ज़्यादा अच्छी है और ये इजी टू माउंट एंड इरेक्ट, ठीक है, ये आसानी से माउंट किए जा सकते हैं और जो है उतारे भी जा सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये मोर नॉइजी एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है, इसकी जो एक वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो ना जब इसकी आरपीएम स्पीड तेज़ हो जाती है चैनल की, तो उसमें ये फिर नॉइजी हो जाती है, मतलब उसमें जो है ना आवाज़ें ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है वो आपके पास लेस नॉइजी होता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। और इसके बाद जो है ना वो लो रेजिस्टेंट टू शॉक लोडिंग है, ठीक है, मतलब उसमें जो है जो शॉक लोड है वो इसको जो है ना इतना रेजिस्ट नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, वो उसमें वो रेजिस्टेंस टू शॉक लोड ज़्यादा होती है। हाँ, मोमेंट्री शॉक लोड जो है ना वो हमारे पास इसमें ज़्यादा होती है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में। और इसमें थर्ड डिसएडवांटेज है मोर इनिशियल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस तो है लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा, क्योंकि इसमें बॉल्स होते हैं, फिर आपके पास जो इसका इनर एक सेज होता है वो लगता है, इन बॉल्स को जो है ना वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉल्स इसकी जो इसकी जो डायग्राम फ्री वर्ड डायग्राम से हम देखेंगे किस तरह इसको केज किसके बनाया जाता है, इसका सेट किया जाता है बॉल्स का, ताकि बॉल्स इधर उधर इसकी जो है ना वो डायमेंशन जो चेंज ना हो प्लेसेस। तो डिज़ाइन ऑफ बेयरिंग हाउस कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इसी वजह से इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, लेकिन जब ये अगर फॉर द लॉन्ग टर्म देखें उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम है लुब्रिकेशन ना होने की वजह से, तो इस वजह से जो है ना कुछ हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब हमने देखना है कि हमने जो जहाँ ये यूज़ करनी है उसकी कंडीशंस क्या है, अगर तो हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वहाँ नहीं यूज़ हो सकती फिर हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को यूज़, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं कॉन्टैक्ट रोलिंग बेयरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की जो है ना वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो अगर शेप देखी जाए तो वो इसमें हमारे पास दो बेयरिंग्स हैं, एक बॉल बेयरिंग है आपके पास, दूसरा रोलर बेयरिंग है। बॉल बेयरिंग वो होता है जिसके अंदर जो है ना बॉल्स जो है ना होती हैं, जैसे यहाँ पे देखें सर्कुलर बॉल्स हैं, ये आपके पास बॉल बेयरिंग्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो रोलर बेयरिंग्स होते हैं वो हमारे पास थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप टाइप होता है, मतलब बॉल्स की तरह नहीं होता। तो ये कोई भी आपके पास अगर इसको मतलब ये एक तरह से हमने साइड व्यू उसका देख रहे हैं गियर इसका बेयरिंग का, तो ये इनर रेस है, ये आउटर रेस है, और ये इसमें जो बॉल और ये रिटेनर होता है जो इसको रिटेन करता है, इसको अपनी पोजीशन पर सेट करता है, केज की बात है इसको रिटेनर भी कहते हैं। तो ये बॉल एंड रोलर बेयरिंग कंसिस्ट ऑफ इनर रेस विच इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द जनरल एंड आउटर रेस विच इज कैरीड बाय हाउसिंग एंड केसिंग, ठीक है। जो आपके पास इनर रेस होती है वो इसके साथ बेसिकली जनरल अटैच होता है, और आउटर जो आपके पास रेस है जो उसके अंदर वो केसिंग बेसिकली उसकी केसिंग होती है बेयरिंग की, और इन बिटवीन द इनर एंड आउटर रेस देयर आर बॉल्स एंड रोलर्स, ठीक है, और इन बिटवीन दिस टू आउटर रेस एंड इनर रेस देयर आर बॉल्स और रोलर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉल्स एंड रोलर आर यूज इस एक नहीं होती है नंबर ऑफ बॉल्स, इसमें जैसे पिछले डायग्राम में देखा है इसमें 10-15 जो रिक्वायर्ड होती हैं, जो जिस तरह डिज़ाइन इसकी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स भी गिवन होते हैं कितनी नंबर ऑफ बॉल सेट करनी है, और आपके डायमीटर के हिसाब से कितने डायमीटर के हिसाब से हम लोग बॉल्स को देखते हैं नंबर ऑफ बॉल्स, और जो ना जो इसमें नंबर ऑफ बॉल्स एंड रोलर यूज एंड दीज आर हेल्प टू प्रॉपर held at proper distance by retainers, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो है ना रिटेनर्स को यूज़ करते हैं हम लोग, इसको मैंने बताया केज भी होता है रिटेनर्स भी होता है, सो दैट दे कैन डू दैट डू नॉट टच ईच अदर, तो ये एक दूसरे को टच ना करें, वरना अगर हुए ना हो तो एक ही जगह सारी इकट्ठी हो जाएँ बॉल्स या इनमें गैप ना रहे, तो इसकी वजह से जो है ना हो सकता है कि जगह लोड ज़्यादा पड़ जाए जिसकी वजह से जो है इसके अंदर ब्रेकेज आ जाए। तो इस केज को हम यूज़ करते हैं रिटेनर जिसको हम कहते हैं, इसमें मैं आपको दिखा दूँ जैसे यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है ये इसके अंदर इसका जो है ना वो एक बनाया हुआ केस था, आगे भी आएगा मैं दिखाऊंगा इसके आपको।
the retainer and are thin strip and are usually in two parts which are assembled after the ball have been properly spaced. ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब ये बॉल्स जब आप डिफरेंट स्पेस पर उसको कर ले तो उसको हम इसको रिटेनर्स को और जो थिन स्ट्रिप्स हैं उसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि उसकी जो है ना वो हमारे पास स्पेस मेंटेन रहे, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे बॉल्स का या रोलर्स का. बॉल बेरिंग आर यूज फॉर लाइट लोड एंड रोलर बेरिंग आर यूज फॉर हैवियर लोड्स. ठीक है, जो बॉल बेरिंग है वो लाइट लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं और अगर हम बात करते हैं हैवी लोड्स की उसके बिना हम रोलर बेरिंग यूज करते हैं. The rolling contact bearing depend upon the load to be carried or classified. अगर हम load carrying की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अगेन वही रेडियस है जनरल बेरिंग के अंदर था तो हमारे पास टू टाइप्स आए थे रेडियल और थ्रस्ट बेरिंग आए थे. तो इसमें हमारे पास रेडियल लोड मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे कोई भी शाफ्ट है मूव करिए इसमें हमारे पास बेरिंग लगे हुए हैं तो हमारे पास एक एक्सियल लोड होता है जैसे इसमें का लोड इसका पूरे एक स्ट्रक्चर का एक लोड है या इसके आगे कोई फैन लगा हुआ है या आगे मोटर लगी है तो एक लोड है तो वो लोड जो है ना डाउनवर्ड जो है ना मूवमेंट करेगा बेसिकली रेडियल लोड होता है. और इसमें रेडियल जो लोड को कैरी करने के लिए जो बेरिंग्स यूज होते हैं वहाँ पर रेडियल बॉल बेरिंग्स होते हैं. दूसरा हमारे पास है एक्सियल लोड. एक्सियल जो होता है जो एक्सेस ऑफ शाफ्ट के लिए जो लग रहा है या हमको थ्रस्ट जो है थ्रस्ट भी हम कहते हैं या एक्सियल भी कहते हैं तो ये आपके पास जो है ना थ्रस्ट लोड भी होता है या आपके पास थ्रस्ट जो है ना इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा ये थ्रस्ट बेरिंग भी होते हैं जो कि इस लोड को कैरी करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास हम टाइप्स की बात कर लेते हैं. रेडियल बॉल बेरिंग जो रेडियली मतलब इस पे जैसे लोड लग रहा है उसके लिए जो बॉल बेरिंग यूज होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं पहले हम वो देख लेते हैं. उसमें हमारे पास नंबर वन है सिंगल रो डीप ग्रूव बेरिंग. ठीक है, सिंगल रो में ये होता है कि आपके पास जो रो है वो सिंगल होती है एक आपके पास ये एक सिंगल रो है बॉल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस मतलब ऑलमोस्ट टेन जो है ना वो आपके पास सिंगल रो बॉल्स की जो है ना एक आपके पास डीप ग्रूव बने होते हैं इसके अंदर ये साइड भी और इसके इनर रेस पे भी और आउटर रेस पे भी ग्रूव से बने होते हैं इसमें ये फिक्स होती है. ड्यूरिंग असेंबली ऑफ द बेरिंग द रेसेस आर ऑफसेट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल आर प्लेस्ड बिटवीन द रेसेस. ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉल जो डायमीटर के हिसाब से मैंने बताया कि उसमें एडजस्ट की जाती हैं. अब आप डायमीटर इसका कितना है तो उसमें कितनी बॉल एडजस्ट होनी है इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ की वैल्यूज हैं. द रेसेस आर देन सेंटर्ड एंड द बॉल आर सिमेट्रिकली लोकेटेड द यूज ऑफ रिटेनर और केज. ठीक है, केज और रिटेनर के थ्रू जो है ना हम लोग इसको एक सर्टन डिस्टेंस में जैसे आपको डिस्टेंस में मेनटेन कर देते हैं और फिर इसको जो है ना हम उस केज के जरिए रिटेनर के जरिए उसको फिक्स कर देते हैं. The deep groove ball bearing are used due to their high load carrying capacity and suitability for high running speed. ये basically high running speed के लिए जो है ना जहाँ पे high running speed होती है वहाँ पे हम ball bearing को use करते हैं. ठीक है, और हमारे पास जो load carrying capacity of the ball bearing is related to the size and the number of ball. ठीक है, तो हमारे पास load carrying capacity वो depend कर रही होती है कि इसके ball bearing के जो size क्या है और number of balls कितनी है. जितनी आप number of balls बढ़ा देंगे ऐसी बात है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग नॉच बेरिंग. फिलिंग नॉच बेरिंग में ये होता है कि हम इसके अंदर हमारे पास एक नॉच ही बनी होती है जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये बेसिकली इस नॉच में क्या होता है कि हम बॉल्स को जो है ना ऐड कर सकते हैं. अब फिलिंग नॉच बेरिंग इज शोन इन द फिगर बी. यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ आपके पास फिलिंग नॉच बेरिंग है मतलब यहाँ से हमने ऐड कर दिया बेरिंग को. दीज बेरिंग्स हैव नॉचेस इन द इनर एंड आउटर एज व्हिच परमिट मोर बॉल्स टू बी इंसर्टेड देन इन डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. ठीक है, उसमें तो ये था ना फिक्स था हमारे पास हम इसमें क्या क्या अपने से मतलब से कुछ बॉल्स ऐड कर सकते हैं. द नॉचेस डू नॉट एक्सटेंड टू द बॉटम ऑफ द रेस वे. मतलब इसमें ये नहीं होता कि ये नॉचेस जो है ना वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द रेस तक नहीं जाती. देयरफॉर द बॉल इंसर्टेड थ्रू द नॉचेस मस्ट बी फोर्स्ड इन पोजिशन. इसमें ये होता ही है कि इसको यहाँ आप बिल्कुल सामने इसको यहाँ पे लेकर आते हैं जो ये इनर रेस है इसका फिर उसके अंदर इंसर्ट करते हैं. अदरवाइज क्या होगा यहाँ से तो बॉल वापस निकल है फिर हम इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देते हैं फिर इसकी जो है ना फिर मूवमेंट होती है तो फिर हम इसको जो है ना वो सिंस दिस टाइप ऑफ बेरिंग कंटेन लार्जर नंबर ऑफ बॉल देन द कॉरस्पॉन्डिंग अननॉच्ड वन. तो ये जो है ना इसमें नंबर ऑफ बॉल्स में जो है वो हम केज कर इस्तेमाल नहीं करते. इसमें अगर आप देखें तो बॉल्स जो है ना बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं नंबर ऑफ बॉल्स की जो है ना तादाद ज़्यादा की हुई है इसमें एज कम्पेयर टू जो आपके पास सिंगल रो नॉच बेरिंग था.
तो उसमें हमारे पास ये देयरफॉर लार्जर बेयरिंग लोड कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा होती है, इसके पास जो हमारे पास कैपेसिटी है हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो सिंगल लॉन्च बॉल बेयरिंग है उससे। इसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग जो हमारे पास ये शोर है फिगर, आपके पास ये फिगर इसमें शोर है, ठीक है। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट दिस बेयरिंग है वन साइड ऑफ द आउटर रेस कट अवे टू परमिट द इंसर्शन टू मोर वॉल देन इन डीप ग्रूव बेयरिंग बट विदाउट हैविंग अ नॉच कट इन द बोथ इन बोथ रेसेस, ठीक है। हमारे पास जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग होता है इसमें क्या होता है हमारे पास लिखा दिस बेयरिंग हैव वन साइड ऑफ द आउटर रेस कट अवे टू परमिट, इसमें जो है ना बेसिकली आपके पास एक जो हिस्सा होता है उसमें हमारे पास थोड़ा सा जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये इस शेप में होता है, ये इस शेप में जो है ना आपके पास इस शेप में, तो ये जो है ना डाउट मतलब इसमें नॉच नहीं होता है जैसे इसमें नॉच लगी हुई जाती है यहाँ पे है, लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर अगर यहाँ पे देखें आपके पास जो डीप ग्रूव है उसके जो है ना वो शेप इस तरह है, और इसमें जो है ना आपके पास शेप कुछ इस तरह आ रही है इनर और आउटर रेस की, ठीक है। ये बेसिक फर्क है। और दिस परमिट द बेयरिंग टू कैरी द रिलेटिव लार्ज एक्सियल लोड इन वन डायरेक्शन व्हाइल आल्सो कैरिंग रिलेटिव, इसमें जो आपके पास जो ये जो बेयरिंग है ये आपके पास दोनों जो लोड्स हैं इनको बेयर कर जाता है, एक्सियल भी और थ्रस्ट लोड भी। द एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग आर यूज इन पेयर सो दैट द थ्रस्ट लोड मे बी कैरिड इन अदर डायरेक्शन, ठीक है। ये पेयर्स में यूज होते हैं आपके पास जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है इसको पेयर में यूज करते हैं ताकि जो है ना ये थ्रस्ट लोड को जो है ना वो कैरी कर लें दोनों डायरेक्शन के लिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक डायरेक्शन है। उसके बाद है डबल रो बेयरिंग। डबल रो बेयरिंग आपके पास जैसे नेम से इसकी जो है ना वो शोर है, इसमें जो है ना बेसिकली क्या दिस बेयरिंग मे बी मेड विद द रेडियल और एंगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द रेसेस, इसमें जो है ना आपको इसमें आपके पास जो बेयरिंग की रो होती है वो डबल होती है, एक गियर हुआ आपके पास और एक गियर हुआ, ठीक है। जैसे इस केस में आपको बता रहे तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ज़्यादा आपके पास बॉल्स होंगी तो ये ज़्यादा लोड कैरी कर लेगा, लोड के वजह से बेयरिंग स्लाइटली लेस देन द ट्वाइस दैट ऑफ द सिंगल रो बेयरिंग सरफेस, तो हमारे पास जो लोड कैपेसिटी ऑफ सच बेयरिंग होती है वो स्लाइटली लेस देन ट्वाइस दैट ऑफ अ सिंगल रो बेयरिंग सरफेस, ठीक है। जो हमारे पास सिंगल रो बेयरिंग सरफेस है उससे जो है ना इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है ये कम होगी, तो ये हमारे पास हम बात ये कर रहे थे कि इसके अंदर जो लोड कैपेसिटी है ऑफ सच बेयरिंग इज स्लाइटली लेस देन, अगर हम कंपेयर करते हैं सिंगल सिंगल जो रो है और डबल रो से कंपेयर करें ऑब्वियस सी बात है जो डबल रो है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इन्होंने यहाँ बात ये लिखी है कि जो लोड कैपेसिटी ऑफ सच बेयरिंग इज स्लाइटली लेस देन ट्वाइस दैट ऑफ, अगर आप दो इस तरह मतलब अगर सिंगल सिंगल रो बेयरिंग के दो आप अगर ले लेते हैं और उसकी कंपेयर करें डबल रो से तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डबल रो है इसकी जो इसका जो मतलब ये जो जगह है ये कम भी लेगी, तो इसमें इसकी जो इसकी अगर दो अगर हम बात करते हैं हमने अगर सिंगल सिंगल रो के दो बेयरिंग लगा दिए तो उसकी जो कैपेसिटी है वो ऑब्वियस बात है इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द आउटर स्ट्रेस मे बी डिस्प्लेस थ्रू अ स्मॉल एंगल विदाउट इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बेयरिंग, इसकी जो आउटर रेस है वो भी जो है ना डिस्प्लेस हो सकती है, थोड़ी बहुत होती है स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस होती है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल ऑपरेटिंग, जो इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग हो रहा है उसमें थोड़ी सी इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट आती है। द इंटरनली सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग इज इंटरचेंजेबल विद अदर बॉल बेयरिंग, ठीक है। ये जो इंटरनली सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी, वो आप देख लेते हैं इंटरचेंजेबल बॉल बेयरिंग वो क्या होते हैं।
इंटरचेंजेबल सॉरी सेल्फ जो अलाइनिंग बेरिंग है, सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग जो हमारे पास होते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी जो है ना, इनके अंदर जो है ना और बाकी में जो फर्क ये है कि ये बेसिकली जो अगर शैफ्ट डिफ्लेक्शन होती है थोड़ी बहुत तो ये उसको बेयर कर जाते हैं, और इसमें ग्रूव नहीं होते, जैसे फिक्स नहीं होते, जैसे यहाँ पे अगर हम पीछे उसमें देखें, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रही है जो हमारे पास जो इस तरह के बेयरिंग्स हैं, इसमें ये ग्रूव बने हुए हैं, ये ग्रूव बने हुए हैं जिसके अंदर बॉल जो है ना रोटेट होती है। लेकिन इसके अंदर ये बिल्कुल एक प्लेन, अगर आप देखें इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये आउटर का जो आपका जो ये पार्ट है अंदर वाला, तो इसमें हमें कोई इसके अंदर ग्रूव नजर नहीं आते हैं, और हम जो है देख रहे हैं कि ये बेरिंग है ना सम 2 to 3 degree की, तो हमें ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा डिग्री के अंदर है, लेकिन 2 to 3 degree पे ये डिफ्लेक्ट हो सकते हैं आराम से। इट मे बी नोटेड दैट नॉर्मल क्लियरेंस इन अ बॉल बेरिंग आर टू स्मॉल टू अकोमोडेट एनी अप्रिशिएबल मिसअलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट रिलेटेड टू द हाउसिंग। ठीक है, ये जो है ना थोड़ी सी मैंने बताया कि कोई मिसअलाइनमेंट होती है शाफ्ट में तो ये उसको बेयर कर जाता है। इफ द यूनिट इज असेंबल्ड विद द शाफ्ट मिसअलाइनमेंट प्रेजेंट देन द बेरिंग विल बी सब्जेक्टेड टू लोड दैट कैरी दैट मे बी इन एक्सेस ऑफ द डिजाइन वैल्यू एंड प्रीमेच्योर फेलियर में ऑकर। तो अगर ये इस तरह मतलब इसको ना करें तो हो सकता है कि उसके अंदर मैकेनिज्म के अंदर हमारा थोड़ा सा फेलियर आ जाए। ठीक है, तो हम ये इसकी वो कर रहे थे। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड डेजिग्नेशन ऑफ बॉल बेरिंग की हम बात करते हैं, तो इसमें हमें जो है ना द मोस्ट कॉमन बॉल बेरिंग अवेलेबल इन 4 C's एज फॉलो। ये 4 C's हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती हैं उसकी डेजिग्नेशन जो देते हैं। हमारे पास एक होती है एक्स्ट्रा लाइट 100 जो है ना इसमें होता है इसमें, और जो है ना सेकंड जो हमारे पास होती है वो लाइट होती है जिसको हम 200, और थर्ड हमारे पास तो मीडियम जो है आपके पास 300 होती है, और हैवी इसी तरह आपके पास 400 होता है। उसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड डायमेंशन आर गिवन मिलीमीटर्स। ठीक है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं वो मिलीमीटर्स में होते हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर द साइज एंड नंबर ऑफ स्टील बॉल, इनका स्टैंडर्ड नहीं है कोई साइज और नंबर ऑफ स्टील बॉल का। ये जो आपका जैसे मैंने बताया था पहले डायमीटर के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, और एडिशनल डिजिट टू और लेटर्स, इसके अलावा जो और अदर डिजिट होंगे या एडिशनल लेटर्स होंगे वो बेसिकली स्पेशल फीचर्स को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल डीप प्रूव या फिलिंग नॉच, ये इसके अंदर कोई ऐसे हमारे पास लेटर होंगे तो वो उसको जो है ना वो शो करेगा। और जो लास्ट 3 digits गिव द सीरीज एंड द बोर ऑफ द बेरिंग, ये बेसिकली जो हमारे पास जो लास्ट 3 digits है, ये जो 3 digits होते हैं ये हमारे पास सीरीज को मतलब अगर लाइट सीरीज है तो हमारे पास 1 से शुरू होगा, और हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट है तो 1 से होगा, लाइट है तो 2 से 200, और ये 3 medium है 4 heavy सीरीज। और जो ना जो हमारे पास जो आखिरी 2 digits होते हैं, ये 2 digits ये बेसिकली बोर ऑफ द बेरिंग को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 2 digits है 00 तो इसका मतलब यह है कि इसका जो बोर डायमीटर है वो 10 है। इसी तरह अगर 01 है तो हमारे पास बोर डायमीटर 12 है, 02 है तो हमारे पास बोर डायमीटर 15 है, और अगर 03 है तो उसके जो है ना हमारा बोर डायमीटर 17 है। और 4 से ऑनवर्ड जो है ना हम जो है इसमें क्या करते हैं, अगर 4 है तो उससे जो है ना हम उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, और जो हमारे पास आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लिखा है तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो हमारे पास जो बोर डायमीटर होगा वो 20 mm होगा। इतना 5 है तो फिर हमारे पास 25 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हमारे पास 305 कोई सीरीज हमारे पास गिवन है, वो गिवन है तो बेरिंग अगर गिवन है 3 से हमारे पास ऑब्वियसली बात है वो शो हो जाएगा कि मीडियम है, और 05 जो हमारे पास ये बोर डायमीटर का जो है ना वो एक्चुअल बोर डायमीटर 05 mm नहीं है, बल्कि हमने कहा कि 4 से ऑनवर्ड जो होगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 25 mm जो है ना डायमीटर होगा इसका। ठीक है, इसका इट्स मीन द बेरिंग इज ऑफ मीडियम सीरीज हुज बोर डायमीटर इज 25 mm। ठीक है, सिंपल। इसी तरह अगर कोई और हो 306 हो या 406 हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो है ना वो जो बेरिंग है वो हैवी सीरीज का है, और उसमें जो है ना बोर डायमीटर उसका जो है ना वो 6 into 5 30 mm है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का जो है ना जैसे हम लोगों ने रेडियल
रेडियली जो हमारे पास लोड लगता है उसके बारे में कुछ जो है ना इसकी बॉल बेयरिंग की हमने टाइप पढ़ी है, लेकिन कुछ उसमें भी ऐसी टाइप्स हैं जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग को जो है ना जो हमारे पास थ्रस्ट जो लोड होता है या एक्सियल लोड होता है उसको कैरी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था हमारे पास जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली दोनों जो है ना एक्सियल और थ्रस्ट लोड दोनों को जो है ना कैरी कर लेता है। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग आपको मैंने बताया, इसमें हम लोगों ने शायद इसका जिक्र नहीं किया, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ या हमने उसको जिक्र कर लेते हैं। असल में एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें अगर आप देखें ये आपके पास जो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट है वो आपके पास बिल्कुल 90 डिग्री में, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट डिग्री है ये एंगल पे होता है, सर्टन एंगल पे। अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एंगुलर एक वो शो हो रही है आपको। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो है ना जैसे मैंने यहाँ बताया था एक्सियल लोड को भी यानी थ्रस्ट जो इसको बेयरिंग में भी इसके अंदर वो आ सकता है, और इस तरह हमारे पास थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो है ना वो यूज फॉर कैरिंग थ्रस्ट लोड एक्सक्लूसिवली एंड एट स्पीड बिलो 2000 RPM। 2000 RPM पे जो है ना हम लोग बिलो जो आपके RPM स्पीड है उसमें हम थ्रस्ट बेयरिंग को यूज करते हैं जो आपके पास लोड लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। एट हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेस द बॉल टू बी फोर्स आउट ऑफ द रेसेस। अगर हाई स्पीड होती है तो फिर वो क्या होता है कि वो आपके पास जो बॉल्स हैं वो उसको जो है ना हमारे पास को जो है ना बॉल्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, फोर्स करता है बेसिकली आउट ऑफ द रेसेस करने के लिए। देयरफॉर एट हाई स्पीड इट इज रिकमेंडेड एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। जो हमने एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग जो मतलब मैंने अभी आपको दिखाया था वो यूज होते हैं जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, वो भी थ्रस्ट बेयरिंग की जो है ना उसको थ्रस्ट लोड को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में भी सिंगल डायरेक्शन फ्लैट प्लेट्स एज शोन इन फिगर ए, ठीक है, यह आपके पास फिगर ए है। और डबल डायरेक्शन, डबल डायरेक्शन में क्या होता है कि आपके पास दोनों डायरेक्शन को जो है ना मतलब इस तरफ भी और इस डायरेक्शन में भी आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर लेते हैं जैसे फिगर बी इसमें आप देख रहे हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रोलर बेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो रोलर बेयरिंग में हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास जो सिंपल एक टाइप है जिसमें जो ना सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग है, जैसे इस फिगर में आपको शो हो रहा है बिल्कुल एक सिलेंडर टाइप आपके पास जैसे इनमें शो हो रहा है। तो ये एक सिलेंडर टाइप जो है ना इसके अंदर एक ये बेसिकली हाई स्पीड सर्विस के लिए यूज होते हैं और हैविंग लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ऑफ एनी फॉर्म हैवी ड्यूटी बेयरिंग। तो ये जो रोलर कॉन्टैक्ट रोलर बेयरिंग होते हैं ये बेसिकली क्या है कि मैंने बताया कि ये हाई जो मतलब हमारे पास जो हैवी लोड्स के लिए बेसिकली यूज होते हैं एज कम्पेयर टू जो रोलर बॉल बेयरिंग था। अब इसके बाद हमारे पास स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में अगर आप देखें तो हमारे पास एज शोन इन फिगर बी जैसे आपको नजर आ रहा है दीज बेयरिंग आर सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग भी हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेल्फ अलाइनिंग फीचर अचीव बाय ग्राइंडिंग वन ऑफ द रेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। और आप ये देखें ये जो है इसमें थोड़ा सा स्फीयर शेप दिया जाता है इसकी जो रोलर्स को, इसलिए इसको स्फेरिकल रोलर बेयरिंग कहते हैं। और दिस बेयरिंग आर कैन का नॉर्मली टॉलरेट एंगुलर मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट को ये बेसिकली जो है ना वो इसको जो है ना वो हैंडल कर लेते हैं। एंड व्हेन यूज विद अ डबल रो ऑफ रोलर दिस कैन कैरी थ्रस्ट लोड इन अदर डायरेक्शन। अगर आप ये देखें इसमें जो है ये आपके पास डबल अगर रो है तो ये जो है ना इसमें ये थ्रस्ट लोड भी कैरी कर लेते हैं। अदरवाइज जो रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग होते हैं ये सिर्फ रेडियल लोड्स के लिए होते हैं और हैवी लोड्स के लिए होते हैं। और नीडल कॉन्टैक्ट रोलर बेयरिंग की बात करें तो नीडल में रोलर बेयरिंग में आपके पास क्या होता है कि हमारे पास नीडल टाइप जो है ना इसके अंदर वो होती है तो होती है इसमें जो है ना मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ना आपके पास नीडल टाइप मतलब जैसे आपके पास पिछले उसमें रोलर थे, अगर इस जो सिलेंड्रिकल रोलर होते हैं ये थोड़ी सी इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दिस जो आपके पास नीडल टाइप होते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है कम्प्लीटली जो है ना ये बेसिकली फिल होते हैं कम्प्लीट फिल, सो दैट देयर नेदर
और नैदर अ केज और नदर अ रिटेनर इज नीडेड। तो इसमें आपको केज और रिटेनर की जरूरत नहीं होती, ये थोड़ी सी इसकी जो शेप है वो इस तरह बनाई जाती है, आपको यहाँ नजर आ रही है। या आगे बात जो है ना वो दीज बेरिंग आर यूज व्हेन हैवी लोड्स आर टू बी कैरिड, जब इसमें हैवी लोड जो है ना वो होता है तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं। देयर आर ऑसिलेटरी मोशन एंड पिस्टन पिन बेरिंग इन हैवी ड्यूटी डीजल इंजन, यहाँ पे पिस्टन पिन बेरिंग, यहाँ पे हमें डीजल इंजन के अंदर ये बेरिंग्स यूज होते हैं। वेयर द रिवर्सल ऑफ मोशन टेंड टू कीप द रोल इन करेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें जो रिवर्सल ऑफ मोशन भी जो है ना इसको कीप करती, इसको जो है ना करेक्ट अलाइनमेंट में रखती है। और उसके बाद जो चौथा हमारे पास है वो हमारे पास है टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग में क्या होता है कि इसमें जो अगर आप देखें आगे बात थोड़ी सी टेपर्ड जो है ना वो होती है शेप जो है, तो द रोलर्स आर रोलर एंड रेस फेज, द रोलर एंड रेस फेज ऑफ दिस बेरिंग आर ट्रंकेटेड कॉन्स हुज अलाइनमेंट इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। कि इसमें जो है ना इसमें एक इसकी जो रोलर और इसकी जो रेस पे है वो बेरिंग की जो है ना वो एक कोन टाइप होती है जो एक इंटरसेक्ट जो कर रही होती है एक पॉइंट पे कर रही होती है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और सच टाइप ऑफ बेरिंग कैन कैरी बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, ठीक है। इसमें भी ये भी जो है ना जो आपके पास बेरिंग है ये दोनों लोड कैरी कर लेते हैं, रेडियल भी और थ्रस्ट भी। दिस बेरिंग आर अवेलेबल इन वेरियस कॉम्बिनेशन एज डबल रो बेरिंग एंड विद डिफरेंट कोन एंगल्स फॉर यूज फॉर डिफरेंट रेडियस मैग्नीट्यूड, तो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट जो है ना कोन एंगल्स इसके बनाए जाते हैं और कोन डिफरेंट जो है ना वो डिस्कस जो है ना इस पर होती है बनाए जाते हैं जो ना जो उसकी एप्लीकेशन के मुताबिक इसको बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो ये हमारा जो है ना इसमें आज का टॉपिक था, ये हमारे पास जो है ना इसकी पिक्चर है बॉल बेरिंग की और सिलेंडर रोल की, जो हमें चार टाइप पड़ी है। बैरल रोलर जो है ना हमारे पास यही है जो स्पेलर स्फेरिकल रोलर इसको हम कहते हैं, बैरल रोलर भी कहते हैं। और ये हमारे पास नीडल रोलर आ गया, ये टेपर्ड आ गया, ये सिलेंडर रोलर जो पहले पहले हमारे पास, उसके बाद बॉल बेरिंग उसकी डिफरेंट है। तो ये आज हमारा जो ना आज का टॉपिक जो है ना वो लेक्चर था, उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा। अगेन अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल पे, और जो ना मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे जो ना टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं हो मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, सलाम।